जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई है। जी और प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी को नोटिस भेजा है। नोटिस में प्रदेश में बलात्कार, यौन शोषण और गैंगरेप जैसे मामले सामने आए हैं या दर्ज हुए हैं, उन सब मामलों का पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश करने और जाँच कितनी बड़ी है इसकी स्थिति भी साफ करने के लिए कहा गया है। और इसके लिए कोर्ट ने डीजीपी को अगली पेशी तक का समय दिया है। आपको बता दें कि न्यायाधीश संदीप मेहता और विनीत माथुर ने ये नोटिस जारी किया है। खबर का मजमून ये था कि पिछले 3 महीने में राजस्थान में 63 मामले यौन शोषण एवं बलात्कार से संबंधित दर्ज हुए हैं और केवल 3 मामलों में ही अभी तक कार्रवाई हो सकी है। पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था इस संबंध में, एवं इसी खबर में यह भी उल्लेख था कि पिछले 1 साल में करीब 165 मामले दर्ज हुए थे। इन तमाम तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने स्वयं प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए ऐसे अपराधों की रोकथाम आदि के संबंध में पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है, क्या गतिविधियां हैं, कितने मामले दर्ज हुए, इन सभी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक पुलिस से तलब की है और मामले में आगामी तारीख को महानिदेशक पुलिस को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।